आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, अच्छा काम करने से कभी पीछे मत हटिए। 94.3 MyFM से मैं हूँ विनी, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक महिला की कहानी। बड़ी सीधी सादी सी एक महिला थी। अपने घर का जब रोज खाना बनाया करती थी तो उसमें से एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर अपनी खिड़की पर रख दिया करती थी, जिसे भी जरूरत हो वो ले जाए। एक बाबा थे जो हर रोज आने लगे और खिड़की पर रखी हुई रोटी लेने लगे। लेकिन रोटी लेने के बाद वो एक लाइन कहते थे, तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौटकर जरूर आएगा। एक दो दिन इसने सुना और ध्यान नहीं दिया। उसकी रोज की आदत थी, रोज अपने परिवार वालों के अलावा एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी और उसे खिड़की पर रख देती थी। और अब जैसे रूटीन हो गया था कि वो बाबा आएंगे, रोटी को उठाएंगे और उठाकर फिर वही लाइन कहेंगे कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास वापस जरूर आएगा। कुछ दिन उसने सुना और उसके बाद उस महिला को इरिटेशन होने लगी। बोले, अजीब है ये आदमी, मैं रोज इसके लिए रोटी बनाती हूँ अलग से, आज तक इसने मुझे धन्यवाद तो दिया नहीं, आज तक थैंक यू नहीं बोला, और ये अजीब सा पता नहीं क्या बोलकर जाता है, मैंने किसी का क्या बुरा किया है। और एक दिन इतना चिढ़ गई कि गुस्सा हो गई। बोली, मैं ना इस बूढ़े बाबा से छुटकारा पाने चाहती हूँ। और गुस्से में जहर मिली हुई रोटी उसके लिए बना दी। जहर मिली हुई रोटी बनाकर खिड़की पर रखी ही थी कि अंदर से आवाज आई कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी की जान ले रही हूँ। तुरंत रोटी उठा ली खिड़की पर से और एक अच्छी रोटी खिड़की पर रख दी। वो बाबा आए, उन्होंने फिर रोटी उठाई और फिर वही कहा कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौटकर जरूर आएगा। इसने अनसुना सा किया, इरिटेट हुई, अंदर चली गई। इस औरत का एक बेटा भी था जो कई दिनों से बाहर था। दिन रात उसकी सलामती की कामना करती रहती थी क्योंकि कई दिनों से उससे बात भी नहीं हुई थी। और उस दिन अचानक डोरबेल बजी और सामने क्या देखती है, उसका बेटा खड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हुई लेकिन अपने बेटे की हालत को देखकर बहुत दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसे जैसे खाना तक नहीं मिला। उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ। उसने कहा, माँ, मैं जिस देश में था वहां युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई थीं, हमें कैद कर लिया गया था और किसी तरह मैं वहां से निकलकर वापस आ पाया हूं। ऐसा लग रहा था कि बस प्राण निकल ही जाएंगे। इतने में रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, उनसे मैंने कहा कुछ खाने को दे दो। उनके हाथ में एक रोटी थी जो उन्होंने मुझे दे दी और शायद उसी वजह से चलकर अपने घर तक पहुंच पाया। और पता है माँ, उस बूढ़े बाबा ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौट कर तेरे पास वापस आएगा। माँ ने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि आज उसने वो जहर वाली रोटी खिड़की पर नहीं रख दी थी। और आज उसे बाबा की उन लाइंस का मतलब भी समझ में आ गया कि तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर आ ही जाता है। कई बार ना हम अच्छा करते करते थक से जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा और शायद इसलिए हम सोचने लगते हैं कि अब हमें अच्छा करना छोड़ देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, कोई कदर नहीं करता। लेकिन नहीं, अच्छा करना कभी मत छोड़िए, भले कोई उसके लिए अच्छे शब्द बोले ना बोले, भले कोई उसकी तारीफ करे ना करे, क्योंकि ये तय है कि आपके अच्छे कर्म आप तक वापस किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी जरूर आ जाएंगे।